कह दे आँखों से समझ लेना बातों से कोई तो रहता है सांसों में समझ लेना बातों से समझ लेना आँखों से कोई तो रहता है सांसों में हजरात बस कर दो बस में आप सबको खुश आमदीद और ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आइए आइए बरकत साहब आइए मेरे कपड़े गंदे कीजिए आइए ऐसा नहीं सोचना चाहिए ईद के दिनों में और आप सबको भी ईद मुबारक। अरे मुइज भाई आप खाल समेत बैठे क्या मजा नो वर्ड्स में आपके लिए क्या कहूँ यार। आपसे मैं एक सवाल पूछूं ये बताइए कि आपको यस और नो में जवाब देना ये बताइए आपको पागलपन के दौरे पड़ना बंद हो गए ये एक और सवाल आजा क्या इसका भी जवाब आप यस और नो में देंगे क्या आपने मजे से चप्पल चुराना छोड़ दी नो यानी पहले चुराते थे चले ठीक है नहीं बात हालात में देखो ईद का मौका हमें हंस के मिलना चाहिए और बहुत सारी चीजों को हमें ना अवॉइड करना चाहिए यानी मुझे अकेले शो करना चाहिए नहीं मतलब एक ऐसी जो खुफिया चीज है ना जो हम लगते हैं कि हालात की वजह से जो जो पसे पड़ता है ठीक है जो नजर नहीं आती लेकिन आवाम को नजर आ रही हमारे पॉलिटिशियन को नजर नहीं आ रही हमें उन्हें आज के दिन अवॉइड करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए भूलना नहीं चाहिए लेकिन करना चाहिए ठीक है ठीक तो है। शो को आगे बढ़ाया जाए आगे बढ़ाते हैं तो मेहमानों को बुलाया जाए बिल्कुल दो आज कुछ सुपरस्टार आ रहे हैं हाँ और मैं कहता हूँ एक है सुपरमैन हाँ और एक है सुपर वुमैन यार कैसा मैंने जोड़ा तो हम दोनों का क्या काम हम दोनों का काम इसलिए कि हम दोनों इन दोनों से वो बात करेंगे जो किसी शोज में आपने नहीं सुनी हो अच्छा ठीक है ये सुपरस्टार जो है ये मैं कहता हूँ कि यहाँ के अंत जो आखिर कहते ना कि सुपरस्टार इसके आना बंद हो गए इसके बाद आना अब वो दूसरे आ रहे हैं वो ड्रामों में आ रहे हैं ड्रामों से फिल्मों में आ रहे हैं ये ऑलरेडी फिल्मों के सुपरस्टार हैं बिल्कुल सुपरमैन हैं बिल्कुल है इन्होंने फिल्म हिट थी चूड़ियां मजाजन दीवाने तेरे प्यार दीवाने तेरे प्यार ये दिल आपका हुआ हाँ। और दीवाने तेरे प्यार के में इसके जो इनके साथ जो हीरोइन थी वो आर्टिस्ट हैं वो साथ में अब मेरा ख्याल बुला लेना चाहिए ताकि ईद की खुशियां दोबारा हो जाए तो भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा मोहम्मद राना और जिया अली छोटी बच्ची को लेकर आए पहले उनको बैठा मॉन्टेसरी में एडमिशन नहीं कराने एक्चुअली लेडीज फर्स्ट बिल्कुल सबसे पहले तो ईद मुबारक ही इज सच अ जेंटलमैन ही ऑलवेज नो डाउट इसमें कोई डाउट इनको मैं सुपरमैन कहता हूं और आपको सुपरमैन वुमन मैंने क्यों कहा क्यों क्योंकि आप जो है ना वो आजकल की जो खवातीन की है ना तर्जुमानी करती हैं आप लेकिन एक औरत सोचती सोचो मैं सोचता हूं कि मुझे ऐसी औरत होनी चाहिए थी अगर मैं औरत होता ईद मुबारक आप काफी हद तक औरत हैं हां ज़हनी तौर पे हूं ज़हनी तौर पे चल दीवाने तेरे प्यार के तो ये इसका थोड़ा सा कुछ ऐसा लुब्बे लुबाब क्या था कैसे हुआ क्यों हुआ उसके बाद क्यों काम नहीं किया साथ आप दोनों ने मतलब हिट फिल्म भी नहीं किया दिल दीवाना हम लोगों ने साथ दीवाना की थी वी वॉन अवार्ड दिल दीवाना पे नेशनल अवार्ड वाह दीवाने तेरे प्यार के वाज मैं कहता हूँ कि a big breakthrough for me as well my first film is his second film actually acha mummy bhai ye baatein ho gayi ab bakreed ki baatein ab wo baatein karenge ye baatein to kat jayengi ab wo baatein karenge jo online jayengi kat jayengi kar raha hu mazak tum log nazar nahi aa rahe hum log honge sirf ye aapka two shot jayega sir nahi nahi ye tak mazak ki baat hai ab kuch bakreed ki baatein karte hain na sir ye bataye kabhi bakre ki dum khechi aapne gaay ki dum modi aur baad mein aap yaar bakra tha hi nahi wo kabhi singe ladaye kabhi bakra ghumaya dusre doston se bakra ladaya mujhe shauk tha एक दफ़ा अबू ले आए दुम्बा ठीक है तो उसका नाम हमने रखा था दुम्बा धुई दुम्बा धुई क्यों नाम क्योंकि वो दुम्बा जो था वो छोटा सा था और वो भागता था मतलब खड़ा होता था उसको जाके दुम्बा धुई ऐसे मतलब उसके
हाथ लगाना और वो भागता था। तो कौन था, चक्की वाला दुम्बा था? चक्की वाला दुम्बा। उसकी कढ़ाई कैसी बनती है ना, चक्की की चर्बी है ना भाई मुझे, आपको तो कभी कभी बकरीद में खाते आप कढ़ाई? तो वो मुझे मतलब मेरे, और जिस दिन वो उसको ज़बह कर रहे थे, इधर उधर था आप, मतलब मैं छोटा था उसमें। आप किसी और को ज़िबा कर रहे थे? ऐसा नहीं, मैं छोटा था उसमें, तो बच्चे थे ना, मैं अपने आप को ज़िबा कर रहा था। लेकिन होता है उस वक्त, बड़े दिन बड़ा अफसोस होता है। ये सब सेंसिटिव लोगों की अपने जानवर के साथ अटैचमेंट हो जाती है। बिल्कुल, मेरे भाई के साथ भी, हमारी फैमिली के साथ भी, जब बकरा घर आता है तो फिर मुश्किल हो जाती है कि आप इसको ज़िबा कैसे करेंगे। अच्छा मम्मी भाई, आपने इतनी फिल्मों में काम किया, इतनी हीरोइंस के साथ काम किया इंक्लूडिंग जिया जी, तो कौन सी ऐसी हीरोइन है जो आप समझते हैं कि इस हीरोइन को ना अब काम छोड़ देना चाहिए? एक ऐसी अच्छा सर, एक लड़कियों की बड़ी अजीब आदत होती है, आपका इनपुट चाहूंगा जिया जी, आपके पास भी आता हूं मैं, कि तैयार होने के लिए पार्लर जाना है और पार्लर जाने के लिए भी तैयार होना। एक मिनट, ये ग्लासेस नजर नहीं आएगा कसम से, मेरा भाई नजर नहीं आएगा, ये -40 दिखाओ तो सही, बहुत है भाई, ये कनाडा में चीज करीब नजर जाके देखनी पड़ती है। ओए होए, सही सवाल पूछा इसने, है ना? नहीं अच्छी बात है, अच्छा बताया ना जिया जी, ऐसा बताया ऐसा तैयार होने के लिए पार्लर जाना, पार्लर जाने के लिए भी तैयार होना पड़ता, अलमारी खोल के खड़ी हो जाती है क्या? अगर आप मेरे, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करती हूँ, मैं बहुत मेकअप अवॉइड करती हूँ इन माय नॉर्मल लाइफ, आई जस्ट डोंट लाइक मेकअप। तो अब थोड़ा सा कभी कभी मूड के साथ आई जस्ट गो फॉर इट। हाँ यार, लड़कियों की आप लोग क्यों इतने एतराज करते हैं? मैं ये करता हूं, मैं तो लड़कियों के साथ हूँ, मुझे तो किसी लड़की पे एतराज नहीं। बेशक मैं कहता हूँ लड़कियों, कहते हैं लड़कियों के पास कार होनी चाहिए, पैदल तो वकल से भी होती है। मम्मी भाई ये बताएं कि अक्सर लोगों को जो मना किया जाए वो ही करते हैं, ये क्या वजह? ये क्या जिया जी, जो मना किया जाए, आपको कभी ऐसा कुछ होता है? इनको स्कूटर पे 2 की जगह 4 ब्रेक भी लगा दो, रोकते पैरों से ही, ये होता ना? नहीं, हाँ ये होता है, पैरों से रोकते। स्कूटर कभी चलाया नहीं मैंने, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिनको रोका जाता है वो उस काम में उतना ही और ज्यादा बढ़ते हैं। हाँ, ये तो जिनको रोका जाता है, ये फितरत है, क्योंकि इंसान ने खुद ही संभलना है, जो एक इंडिविजुअल है उसने खुद ही बात करनी और अगले को भी क्या करो, देखो कोई है, लोग हैं, मतलब उसने खुद चलना है। नहीं मतलब अगले को भी संभालो ना, आप भी संभालो, अगले को भी संभालो। क्या सर, अबे चलना। अच्छा मम्मी भाई, आप में एक आदत बहुत सिमिलर है, मैंने आप दोनों के साथ काम किया, यू बोथ आर सो डाउन टू अर्थ, यानी नए आने वालों को इतना बिल्डअप कर देते अगला समझता है वो मैं अमिताभ बच्चन हूँ, ये हमारे, मैं आपको मैं बता रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मैंने मम्मी भाई के साथ भी काम किया। अमिताभ बच्चन छोड़ दो यार, वहीद मुराद साहब का नाम लो, वो तो मेरे मुंह से फंबल हो गया, लंबा फंबल 6 फुट 4 इंच का फंबल। इंडियन फिल्म सब देखते हैं, पाकिस्तान फिल्म हमने भी बहुत देखी। बिल्कुल, वहीद मुराद साहब कैसे बोलते थे? मैं कमाई करती हूँ, तुम्हारी मोहब्बत में नहीं जाएगी, मैं थप्पड़ मारूंगा। ये तो दिलीप जी थे, दिलीप थे नहीं, कमाल भाई थे, वहीद मुराद, दिलीप कुमार की आवाज निकालते, मिमिक्री कर रहे थे, मिमिक्री कर रहे दिलीप साहब, वहीद मुराद साहब में तो मिमिक्री, आर्टिस्ट तो करते हैं, एक दूसरे की आवाजें निकालते हैं ना। आप किसी को कॉपी करते थे कभी किसी को देख के आए? जब मैं वाज इन फोर्थ स्टैंडर्ड, जी जी, चौथी में था मैं, जी जी, समझ में आया, इंग्लिश में था, उर्दू में बोल सकता हूं, नहीं मैं तुम्हारे लिए कहा, अच्छा ठीक। मैं जब स्कूल जाता था तो मैं अपनी वालदा से कहता था, अम्मी से, अम्मी मेरा वहीद मुराद साहब वाला कट था। अच्छा, वो माए बनाती भी वही थी, वो यूं कल्ला पकड़ के यूं करती थी तो वो वैसे ही बन जाता था। मेरे भी थे बाल, ऐसी बात नहीं कि मैं शुरू से गंजा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो आप देखो, यहाँ देखो, ये लग रहा है बच्चा उल्टा सो रहा है। लेकिन आपने अमिताभ साहब का नाम लिया, बहुत बड़ा नाम है, और आप मिले भी उनसे, आप बहुत बहुत बड़ा नाम है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि ही इज अ वेरी बिग पर्सनैलिटी, बट आई थिंक दैट बींग ए पाकिस्तानी ऑफ कोर्स वहीद मुराद साहब, क्या बात है, क्या बात, हीरो नहीं आया, क्या बात, और ना कोई आएगा, ना कोई आएगा, जिस तरह से पाकिस्तानी मर्द, सीरियसली, वी गर्ल्स ट्रैवल अ लॉट, इवन
दे आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी, दे रिस्पेक्ट वुमेन सीरियसली. हम इतना ट्रैवल करते हैं और हसीन तरीन, मुझे अच्छी तरह याद है मम्मी और मैं पहली जब फिल्म कर रहे थे तो वी वेंट, हमें डुप्लीकेट की शूटिंग पे रिमेम्बर मम्मी इन्वाइट किया हुआ था. तो मशहूर ज़माना अपना शाहरुख साहब थे वहाँ पे, उस दिन शायद उनकी कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब थी और मम्मी की और मेरी छोटी छोटी बातों पर बहुत लड़ाई होती थी. आप बिलीव करेंगे दोनों साथ खड़े हो गए, गलती से किसी बात कर रहे थे ये लोग साथ. मुझे मम्मी से प्यार हो गया था उस दिन. मैंने कहा यार इतना गुड लुकिंग आदमी है मेरे साथ, और जूही चावला मुझे कहती हाउ लकी यू आर यार, तेरा हीरो कितना गुड लुकिंग है और मेरा हीरो देख लग रहा है चाय लाने वाला है. ये दोनों साथ खड़े हुए थे. आप सही कह रहे हैं, क्या बड़े बड़े इंडिया जाके लगता है ऐसा. मुंबई में आप घूमा आप भी खूबसूरत, रंग इतना लंबा चौड़ा. मैं बड़ा लड़ती थी मम्मी से छोटी छोटी बातों पे, उसके बाद नहीं मैं लड़ी. नहीं हमारे हीरोज की क्या बात है, हमारे हीरोज की. और ये इस ब्रेक की भी क्या बात है जो मैं लेने वाला हूँ. एक ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, बस कर दो बस में. पहला ब्रेक, ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद.